नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतक के परिवार के लोगों द्वारा गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दरअसल जिले के घुंघचाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिलंदपुर अशोक का रहने वाला 30 वर्षीय संजीव घर से दोस्तों के साथ शादी समारोह में जाने के बात कहकर गुरुवार देर शाम दो दोस्तों के साथ घर से निकला था। गुरुवार देर संजीव के कुछ दोस्त द्वारा परिजनों को संजीव का एक्सीडेंट हो जाने की सूचना दी गई। इलाज के लिए ले जाते समय संजीव ने दम तोड़ दिया। संजीव की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद मृतक के भाई राम केसन ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना पर जानकारी देते हुए मृतक संजीव के भाई राम केसन ने बताया कि उनके भाई को फोन कर दोस्तों ने शादी में चलने के लिए बुलाया था और दोस्तों ने ही उसका गला दबाकर हत्या की है। मामले पर जानकारी देते हुए पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने बताया कि घटना संज्ञान में आई है। सड़क दुर्घटना के दौरान एक युवक की मौत हुई है। मृतक के साथ बैठे दो अन्य लोग घायल हुए हैं। परिवार के लोगों द्वारा किसी अन्य घटना को लेकर आशंका जताकर पुलिस को तहरीर भी दी गई है। पूरे मामले में माधो टांडा थानाध्यक्ष को गहन विवेचना कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपका राम केसन, क्या हुआ आपके भाई को? घर से जो दो लोग जिसमें नवदियाम बरात थी उसके पड़ोस की लड़का की और एक है बिसंडा का लड़का, उसने यहाँ से फ़ोन किया, बोले हम तुम्हें लेने आ रहे हैं और आना है। तो ये शाम को 6:30 बजे वहाँ से लेके चले और 8 बजे तक यहाँ बलागोट के दाग दिया। एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल पलट दी और बाद में फ़ोन किया, बोले एक्सीडेंट हो गया है और धुकधुका चल रहा है। मैंने एम्बुलेंस से पूरनपुर वापस कर दिया। जब हम घर से फ़ोन मिला, आए पूरनपुर, वो लड़का भी फरार और एक अंगूठी है सोने की और एक मोबाइल है 20,000 का, 10,000 रुपये ये भी काम करके आए थे, एक नई डीलक्स मोटरसाइकिल है और ये लोग साथ में लेके, अब उसको पता नहीं है। सुबह नंबर लगा, उस औरत बोली कि जैसे हमने ऑनलाइन से मंगाया है मोबाइल, ये हमारा है, अब स्विच ऑफ जा रहा है। क्या लगता है कैसे कैसे मौत हुई? यही हमें तो जब देखा, हमारे गांव के प्रधान ने भी देखा, गर्दन में सूजन थी और पुलिस वाले थे, उनने कपड़ा निकलवा के देखे, कहाँ कोई निशान नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है कैसे मौत हुई? हमें तो यही लगता है, उन्हें दालू में पिया के और बाद में जब नहीं जमरा तो मैं नदी आ गया गाँव, तो हमने गला दब दिया। क्या कोई रंजिश थी? क्या रंजस से औरत के चक्कर में, वो पड़ोस को लड़का लाओ थो बिहार से शादी करके, उसकी थोड़े दिन औरत रुकी बस दूसरे गांव में चली गई। हमारे भाई के लेके गो कि हम अपनी साली करवा दें, साली कराने के चक्कर में साली बाने करवाई, बाकी औरत वहां चली गई। अब बा ये हमारे भाई की जो करवा के लाओ बा के चक्कर में मार दिया। क्या कुछ मामला है? देखिए, ये कल रात की घटना है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सूचना मिलने पर तुरंत इसमें माधो टांडा पुलिस मौके पर गई थी। ये एक बाइक पर 3 लोग आ रहे थे और जिसमें कि 2 लोग घायल हैं और एक की वहीं पर मौके पर मृत्यु हो गई। जो इसके साथ में जो दो घायल हुए हैं उनके द्वारा बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ था और इसमें परिजनों द्वारा इसमें तहरीर दी जा रही है कि इनके साथ कुछ और कोई और किसी ने कुछ घटना की है। तो इसके संबंध में हम लोगों ने उनसे तहरीर ले ली और इस पर माधो टांडा को, SHO माधो टांडा को निर्देश दे दिए गए हैं कि इसमें गहनता से जांच करें और जांच करने के उपरांत जो भी इसमें निष्कर्ष निकल के आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करें।